हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ओपन लाइट फिटिंग में जो टूल्स की आवश्यकता होती है उन टूल्सों के बारे में अच्छे से डिटेल से समझाया है। ये किस किस टूल्स को किस कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन कौन से टूल्स चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए गांधी टैक। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक करते ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सके। हाय गाइज, मैं बी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ओपन लाइट फिटिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ टूल्स हैं उनके बारे में नॉलेज दूंगा। ये टूल्स के क्या काम आते हैं और इस टूलों को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है एम्बल ड्रिल। इसमें 4 mm या 3 mm के आसपास की बूट लगी हुई है। ये ड्रिल का क्या काम है दोस्तों? ये ड्रिल जो हमारे पास में है, जो दीवार में होल करने काम आती है, 3 gear में ड्रिल है। मैं ड्रिल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दूंगा, इस तरह हमें होल करने काम आती है। उसके बाद में ये है ग्राइंडर। ये ग्राइंडर हमें बैटम को काटने के लिए या फिर बॉक्स को काटने के लिए काम में लिया जाता है। एक्सा हमें मिनिमम कुछ ही चीज़ को काटने के लिए काम लेते हैं। एक्सा की जगह हम इसको भी काम ले सकते हैं या एक्सा को। बैटम इस प्रकार की बैटम होती है दोस्तों, इसको हम ग्राइंडर से काट सकते हैं या एक्सा से काट सकते हैं। हॉल्स हम इसमें करते हैं, दीवार में विद इसके साथ में करते हैं हॉल्स। उसके बाद में हमें हॉल्स के लिए ये रोल तक लगानी पड़ती है दीवार में, जिससे कि ये जो पंक्ति जो हमारे पड़े नहीं, इसके लिए रोल प्लग हम इस प्रकार से सेट करते हैं। रोल प्लग को हम इस प्रकार से सेट करते हैं, हमें ये दीवार में रोल प्लग लगा देनी है। उसके बाद में हमें ये 1 inch का स्क्रू पेच, और स्क्रू पेच के साथ में हमें ये वाशर भी लगाना है, 10 mm का वाशर है, कि ताकि ये जो फंटी जो हमारी यानी बैटम अच्छी तरह मजबूत रहे। तो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास में एम्बर है, तो ये एम्बर हमें ये स्क्रू को ठोकने के लिए चाहिए। ठोकने के लिए हमें एक सापट की सी आवश्यकता पड़ती है, जो इसी प्रकार से मैंने बुलेट यूज करा है। यहाँ पे सापट यानी आप बुलेट भी यूज कर सकते हो। मैं आपको यूज करके बताऊंगा इन सारे टूल्स को किस प्रकार से हम यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है फिलायर। फिलायर का क्या काम है? फिलायर का काम है वायर को काटना या फिर इसको यूज करना। फिलायर हमें वायर को काटने के लिए या किसी भी प्रकार का ये रॉल प्लग अगर आपके उसमें फंस जाता है उसको खींचने के लिए, ये फिलहाल चाहिए। ये टेस्टर है, टेस्टर हमें स्विच सॉकेट को वायर से टाइट करने के लिए तब चाहिए। उसके बाद में ये कटर प्लायर, ये वायर को वायर से के जो ऊपर पीवीसी लगा होता है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में ये मेजरमेंट टेप यानी इंच टेप बोल सकते हैं। ये हमें क्यों चाहिए? ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें किसी भी जो स्विच बोर्ड है इसको कितने हाइट पर लगाना है, सभी को सेम लगाना है। ये हाइट नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हमें ये चाहिए। हमें किसी भी बैटम की यहाँ से यहाँ तक की हाइट नापने के लिए कितना स्पेस है वो सब चीज करने के लिए ये मेजरमेंट चाहिए। अगर यदि आपको मेजरमेंट का ज्ञान नहीं हो तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ये हमारे पास में स्क्रू पेच और रोल प्लग। दोस्तों, इन सभी टूल्स के साथ में हम ओपन लाइट फिटिंग कर सकते हैं। अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए हमें सिर्फ एक चीज की और आवश्यकता होती है, वो है हमारे पास में स्प्रिंग वायर हो या स्टील वायर हो, जिससे हम वायर खींच सकते हैं। बाकी जो भी सामान टूल्स है, ये सारे टूल्स हम यूज कर लिए हैं दोस्तों। इन टूल्स को हम किस प्रकार से यूज करते हैं मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।